नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव के शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। जी हां, भगवान के मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग के ऊपर हम पूजा करते हैं और शिवलिंग जो है बहुत ही पवित्र चीज है। सनातन धर्म के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शंख को बहुत पवित्र माना गया है। पूजा के सारे कामों में शंख का उपयोग किया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा वर्जित है, ऐसा शिव को पसंद नहीं है। तुलसी भी बेहद पवित्र मानी जाती है और सभी देव कार्यों में इसका संग्रह होता है, लेकिन तुलसी को भगवान शिव पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इस चीज की जानकारी नहीं है, वे भोलेनाथ पर तुलसी का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती और वो समझते हैं कि हमारे कार्य नहीं हो रहे और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर हल्दी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जाती क्योंकि हल्दी स्त्रीय सौंदर्य प्रसाधन के प्रयोग में आती है और शास्त्रों में ये कहा गया है कि लिंग जो है वो पुरुषत्व का प्रतीक है, शिव का प्रतीक है, सृष्टि का प्रतीक है, तो इसलिए हल्दी का उपयोग नहीं होता। और उसके अलावा लाल रंग के फूल नहीं चढ़ाए जाते भोलेनाथ पर। केतकी और केवड़े के फूलों का चढ़ाना भी मना है। भगवान शिव को सफेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए, इससे वे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ पर हमेशा पीतल, कांसे या अष्ट धातु से बर्तन या लोटे में जल चढ़ाना चाहिए। लोहे या स्टील के बर्तन से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली सारी चीजें निर्मल होनी चाहिए, यानी जिसका सेवन ना किया जाए। जी हाँ, ऐसी चीजें जिसका सेवन ना किया जाए वही चीजें शिवलिंग पर चढ़ती हैं। और हाँ, सिंदूर या कुमकुम महिलाएं अपने पत्नी की, अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए लगाती है। भगवान शिव विध्वंसक के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर या कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता बल्कि चंदन से उसकी पूजा की जाती है। सिंदूर या कुमकुम ना लगाएं महिलाएं, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। और शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंदर हनुमान जी सबसे सक्रिय देवताओं में से एक हैं और ऐसा कहा गया है कि माता सीता द्वारा पवन पुत्र हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया गया था। यही सबसे बड़ी चीज है। तो आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं शिवलिंग की पूजा, लेकिन आपको शिवलिंग के ऊपर वो सब नहीं चीजें चढ़ानी चाहिए जो भगवान शिव को पसंद नहीं है। हमने आज आपको जानकारी दी नेचर से रिलेटेड। नेचर प्रकृति है और प्राकृतिक शिव है और शिव सनातन है और सनातन का मतलब ओम है और ओम का मतलब जिंदगी है। तो आज हमने आपको बताया कि शिवलिंग पर क्या क्या चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए और हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो शिवलिंग के ऊपर गलत चीजें चढ़ा देते हैं जिससे उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती। हमारे चैनल के साथ बड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हम एक बार फिर आपसे कहते हैं कि हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा और अपना प्यार भी बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।